So let us now see the most important topic of our determinant chapter, which is properties of determinants. अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग determinants की value को evaluate कर सकते हैं by expanding it along any column or any row. But now अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग simplified तरीके से अपने determinant की value को evaluate कर सकते हैं by using some properties. डिटरमिनेंट्स हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है जिसकी मदद से हम लोग अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू को काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो ध्यान से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे डिटरमिनेंट फॉलो करता है. ओके, सो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, याद रखिएगा मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा जो भी हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स में भी काम आ सकती है. ऑल राइट, सो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ वी इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, इट मीन्स इफ वी चेंज ऑल रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखी थी जब मैंने आपसे बताया था कि चाहे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का निकालें चाहे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है. सो अगर हम इंटरचेंज करते हैं सारे रोज को कॉलम्स में, तो एक्चुअल में हम लोग उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं. ऑल राइट, सो अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना दिया देन अभी भी उसका आंसर वही होगा जो एक्चुअल में पहले उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी. ऑल राइट, ठीक है. सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, If all the elements of any specific row or column, if all the elements of any specific row or column are zero, then our determinant's value इज़ ऑल्सो ज़ीरो. इट मीन्स अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, देन उसका डिटरमिनेंट जो हमारे पास इवेलुएट होके आएगा वो भी ज़ीरो ही आएगा. ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ को आप बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं. आप एक डिटरमिनेंट फाइंड मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, देन आप लोग इस प्रॉपर्टीज़ को अगर आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर देन आप फाइंड करोगे कि आपके ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड भी कर रही है यहाँ पे. ऑल राइट, ठीक है. थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमने सारे एलिमेंट्स की बात कर ली, अब देखिए जल्दी से, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम आर identical, or let's say if these are proportional as well, proportional, then the value of determinant is zero. What does it mean? It means that अगर हमारे पास किसी determinant के अंदर कोई दो रोज या फिर किसी दो कॉलम्स के एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं हमारे पास, या फिर वो प्रोपोर्शनल भी क्यों ना हो, यानी कि एक रो के एलिमेंट दूसरे रो के एलिमेंट्स के कुछ मल्टीपल हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर हमें ज़ीरो मिल जाता है. जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमारे पास एक रो में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, एक में मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स है 7, 8, 9, और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स इस रो के 2 times में है, यानी कि 2, 4 and 6, देन इसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा. ये प्रॉपर्टी बोलती है आपसे. या फिर हम डायरेक्टली बोल दें कि यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास अगर 1, 2, 3 ही होते हैं,
यानी कि अगर आइडेंटिकल भी हैं तो भी इसका आंसर जीरो ही आएगा। आप चाहे तो उसको इवेल्यूट करके देख सकते हैं अपने पास, ठीक है। सो ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास नंबर 4, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड या फिर आर इंटरचेंज्ड देन डी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली, इसको एग्जांपल समझिए आप लोग एक बार। अगर मान लीजिए कि आपके पास डिटर्मिनेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, एक मैट्रिक्स थी आपके पास और इसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करने पे आपको डेल्टा मिल रहा है, देन अगर आपने किन्हीं भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया, मान लीजिए आप इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, सो आपके पास नया डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी ई एफ एंड देन ए बी सी एंड देन जी एच आई। जब आप इसको इवेल्यूएट करेंगे देन आपको प्रीवियस वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट्स में मिलेगा। या फिर अगर आपने मान लीजिए कोई दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जैसे अब आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी ई एच, ये सेकंड कॉलम पहले पे आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम सेकंड पे आ जाएगा, यानी कि ए डी एंड जी एंड थर्ड कॉलम तो ऐसे रहेगा सी एफ आई। देन आप जब इसको इवेल्यूएट करेंगे तो वो भी आपको क्या दे देगा, प्रीवियस वैल्यू का नेगेशन दे देगा, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का डेल्टा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोलता है ये, अगर हमने किन्हीं भी दो रोज़ या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया देन हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेट हो जाएगी अपनी वैल्यू के, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 था तो अब इनके आंसर्स माइनस 8 आएंगे, अगर यहाँ पे माइनस 8 था देन इसके आंसर्स अब पॉजिटिव में 8 आएंगे, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कर ली थी अभी, अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमसे बोलती है इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रो और कॉलम, अगर हमने अपने किसी स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी एलिमेंट किसी इफ़ यू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक रो और कॉलम बाय सम नॉन ज़ीरो स्केलर लेट्स से के देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट also gets multiplied by k। ध्यान से समझना आप लोगों को, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है मैट्रिसेस से हमारे, ठीक है। तो हम समझिए इस चीज़ को, अगर मान लीजिए हमारे पास पहले डिटर्मिनेंट था एलिमेंट्स का ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई और इसकी वैल्यू मान लीजिए आपके पास डेल्टा आ रही थी। नाउ अगर आपने रो वन के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से अब एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, के टाइम्स ऑफ ए के टाइम्स ऑफ बी के टाइम्स ऑफ सी, बाकी दोनों रोज पे आपने कोई चेंजेस नहीं किए जी एच आई, देन आपका जो नया आंसर आएगा अब वो आएगा आपके पास के टाइम्स ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि आपके पास कुछ डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिसेस थी यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, इसका कुछ आंसर इवेल्यूएट होके आ रहा था, ओके, और आपने बाहर इस पूरे डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, देन
मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता था, ये के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, बट मैट्रिसेस में क्या होगा, ये के या तो किसी एक स्पेसिफिक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस बात को आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, जब कभी भी आपने किसी स्केलर के से किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, देन वो स्केलर या तो किसी एक स्पेसिफिक रो से ही मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, और इसका एक और कहने का मतलब क्या है, हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक रो या किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम से अगर कोई चीज़ कॉमन बाहर निकालते हैं, देन वो डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक रो से कोई फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे हर एक रो में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर से, यहाँ पे मान लीजिए एल एल लिखा हुआ है हर जगह पे और यहाँ पे मान लीजिए एम एम लिखा हुआ है, देन हम लोग कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारी, पहले में डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी, अब हो जाएगी अगर हमने के बाहर निकाला रो वन से और एल बाहर निकाला रो टू से और m बाहर निकाला रो 3 से और यहाँ पे हमने डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो पहले अगर हमारी वैल्यू इसकी डेल्टा आ रही थी, देन नाउ हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब वो आएगी k इंटू एल इंटू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा। इट मीन्स हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक स्केलर को किसी एक स्पेसिफिक रो से कॉमन आउट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं किसी रो से और कॉमन ले सकते हैं हम लोग किसी कॉलम से भी इस चीज़ को। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे बोलती है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट can also be expressed as a sum of two or more determinants. बहुत ही ध्यान से आपको समझना है इस प्रॉपर्टी को, तो ध्यान से समझिए इस प्रॉपर्टी को एक बार। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है आपसे। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, और जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं सम ऑफ टू और मोर टर्म्स के फॉर्मेट में। जैसे इसको हम लिख लिया ए प्लस पी बी प्लस क्यू एंड सी प्लस आर। ध्यान से आप प्रॉपर्टी को देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक रो आर एक्सप्रेस द सम ऑफ टू टर्म्स, ऑल राइट, देन अभी मान लीजिए हमारे इस डिटर्मिनेंट का आंसर डेल्टा आ रहा था। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रो के सारे एलिमेंट्स किन्हीं और टर्म्स के सम में लिखे हुए हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अगर यहाँ पे दो टर्म्स थी तो हमने वहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स कर लिए, अगर यहाँ पे तीन टर्म्स होती तो हम वहाँ पे तीन डिटर्मिनेंट्स करते। वेयर डेल्टा वन इज़ वॉट, वेयर डेल्टा वन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सारे के सारे फर्स्ट टर्म ले लीजिए और बाकी के सारे एलिमेंट्स ऐसे रखिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई एंड डेल्टा टू इज़ वॉट। सो डेल्टा टू जो हमारे पास आएगा वो इस बार अब सारे के सारे सेकेंड टर्म्स का लेके आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा पी क्यू एंड आर एंड देन बाकी के सारे एलिमेंट्स सेम टू सेम जी एच आई। अगर ऐसा हमारे पास किसी कॉलम के साथ होता, देन हम लोग कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को लिखते यहाँ पे एंड देन कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स को लिखते
यहाँ पे, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके एज इट इज़ सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी भी हमारे बहुत काम आएगी वन मार्कर सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और भी फोर मार्क सवाल में भी ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत काम आ सकती है, तो इसको प्लीज़ आप लोग अभी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सबसे यूज़फुल प्रॉपर्टी और एनसीईआरटी के हिसाब से हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो बोलती है वो कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है। ये हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी थी। सो देखिए हम कौन कौन से ऑपरेशंस अपने डिटरमिनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं सच दैट उसकी वैल्यू पे हमारा कोई फर्क ना पड़े, वो सेम रहे, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम बोलें किसी भी रो को हम बोल सकते हैं वो रो प्लस में सम नॉन ज़ीरो स्केलर के टाइम्स ऑफ कोई अदर रो, ठीक है। यानी कि हम किसी भी रो को के अंदर अगर हम कोई स्केलर टाइम्स ऑफ कोई और रो को ऐड कर दें देन उस डिटरमिनेंट के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑल राइट। ये सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलम पर भी। सो ये हो जाएगा ci प्लस में के टाइम्स ऑफ cj, ओके। और याद रखिएगा ऐसा हमने मैट्रिसेस में भी देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस साइन हो, अगर ये स्केलर ही हमारा नेगेटिव में होगा देन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ सकता है, ऑल राइट। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स का ही इस्तेमाल करें, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई रो टेंड्स टू वो रो प्लस में कोई स्केलर टाइम्स ऑफ कोई और रो प्लस में कोई और स्केलर टाइम्स ऑफ कोई और रो, ओके। मत लगाइए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख लीजिए कोई और रो, मतलब कोई थर्ड रो होनी चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए एल, ओके। सो मान लीजिए आपके पास अगर तीन रोज़ हैं देन आप तीनों रोज़ को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम कॉलम्स की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कोई कॉलम प्लस के टाइम्स ऑफ कोई और कॉलम प्लस में एन टाइम्स ऑफ कोई और कॉलम भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए मेन है, हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे प्रॉपर्टीज़ के अलॉन्ग सॉल्व करने के बोलेगा हमारे डिटरमिनेंट को, ऑल राइट। सो इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिए जो आपके कंपटीशन में काम आ सकती हैं, ठीक है। वो हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट फिर भी वो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आप डिटर्मिनेंट्स को ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं, ऑल राइट। सो इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लिखता हूँ। सो लेट्स सी सम मोर प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। याद रखिएगा अगर हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है और हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है देन उसका आंसर हमेशा ज़ीरो के इक्विवेलेंट आता है, ऑल राइट। अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की देन उसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आता है वो वन के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट्स मान लीजिए a1, a2 एंड सो ऑन कितने भी हैं देन उसका डिटर्मिनेंट जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स। यानी कि डायगनल एलिमेंट्स पे जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। याद रखिएगा डायगनल मैट्रिक्स आपकी ये वाली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए इस केस में, ऑल राइट। सो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, हम लोगों को मेनली डील करना है 3x3 मैट्रिक्स के साथ। सो याद रखिए एक चीज़, अगर आपके पास एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं ABC देन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा a(b)c। सो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग क्या, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है चाहे वो अपर है चाहे लोअर है सो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगनल एलिमेंट्स ही होती है हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDEF and GHI 3x3 के एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसका डिटरमिनेंट हमारे पास इवेल्युएट करने के बाद डेल्टा आ रहा है
देन अगर हमने सारे के सारे को फैक्टर्स निकाले इसके, इस ऊपर वाली मैट्रिक्स के को फैक्टर्स को निकाला और अगर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वो हमें डेल्टा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे बहुत काम आएंगी जब कभी भी हम लोग वन मार्कर क्वेश्चन कहीं कॉम्पिटिशन में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अगर ये आएंगी तो देन आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो वैसे नॉर्मल होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होगा और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, बट इनमें से कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास आती है देन इसको आपको एक्सपैंड करके शो करना ही पड़ेगा। या तो आप किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए या फिर डायरेक्टली इनको एक्सपैंड करके दिखाइए आप लोग। ठीक है, सो इनको भी आप लोग कहीं नोट में अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए।